नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाएं आजकल बड़ी संख्या में घर से बाहर काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए जाती हैं और अक्सर वापस आने में वो लेट हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस ने गत वर्ष ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा की शुरुआत की थी। इस सेवा को अब और अधिक सरल बनाया गया है और आसान बना दिया गया है। कोई भी महिला जो ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा का लाभ उठाना चाहती है, उसे 112 नंबर पर स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करना होता है और अपनी यात्रा का विवरण शेयर करना होता है, जिसमें यात्रा का समय, स्थान और एक इमरजेंसी टेलीफोन नंबर बताना होता है। और जो हमारी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं पुलिस कंट्रोल रूम में, जो सभी महिलाएं हैं, वो एक व्हाट्सएप नंबर उनके साथ शेयर करती हैं और यात्रा शुरू करते समय इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होती है। यात्रा शुरू होने के बाद प्रत्येक आधे घंटे में उनकी कुशलता पूछी जाती है और तय रूट से कोई भी अगर डेविएशन होती है या लाइव लोकेशन बंद होती है, ऐसी सूरत में उनको इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। हरियाणा में हमारा जो औसत रेस्पॉन्स टाइम है पुलिस का, वो मात्र 7 मिनट है। तो मैं सभी कामकाजी महिलाओं से और स्टूडेंट से ये अपील करूंगा कि जब भी वो लेट आवर्स में ट्रेवल करें तो 112 नंबर पर फोन करके हमारी ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा का लाभ उठाएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और ये सेवा हरियाणा के सभी जिलों में उपलब्ध है, पूरे हरियाणा में उपलब्ध है और यहाँ तक कि जो एडज्वाइनिंग सिटीज हैं, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़, अगर वहाँ भी आपने जाना है हरियाणा से, तो इस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।